بسم الله الرحمن الرحيم. टू में हमने क्या कवर किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल, जिसमें हमने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्री स्टेजेस होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडल्सन। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है फिजिकल डेवलपमेंट है और मोटर डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, जो आपकी ड्रामेटिकली रैपिडली चेंज हो रही होती है पैदाइश से लेके ऑनवर्ड, जैसे आपकी आंखें, आपके बाल, आपके नाखून, आपके हाथ, आपकी बॉडी, उसे फिजिकल ग्रोथ बोलते हैं। मोटर डेवलपमेंट, जो आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, आपके मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर चीज़ों को यूज करना, पेन पेंसिल मोबाइल, हर जो आपकी जो चीज़ है, जैसे अगर आप मजीद कोई एक्टिविटी करते हैं, बाइक, साइकिल, खिलौने, टॉयज वगैरह, पेंसिल, चम्मच, खाना, उन सबको, चीज़ों को कंट्रोल के साथ यूज करने को हम क्या कहेंगे, मोटर डेवलपमेंट। फिर हमने बात की कोग्नेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कोग्नेटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो मेंटल डेवलपमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू प्याजे के लिहाज से। प्याजे ने इसमें मजीद चीजें बताई, जैसे आपकी कंजर्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और इकोसेंट्रिज्म है। कंजर्वेशन में हमने कहा था कि अंडरस्टैंड करना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ के वो चीजें रिमेन सेम रहे। इनिशियल स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो चीज़ों के वॉल्यूम और या नंबर में जो चेंजिंग आ रही है उसको अंडरस्टैंड कर सके। या ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक चीज एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होती है तो इनिशियल स्टेज में बच्चा उसको नहीं समझ पाता। और ईगो सेंट्रिज्म, उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करे, परस्पेक्टिव के साथ देख सके, तो वो अपने ही परस्पेक्टिव के मुताबिक चीज़ों को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। प्याजे को जो स्टेजेस है कोग्नेटिव डेवलपमेंट की, वो हमने सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल है। इसमें हमने सेंसरी मोटर में क्या एज है, बर्थ से लेके 2 साल तक की उसकी एज है। सेंसरी मोटर में जो होता है, जो वर्ल्ड की नॉलेज होती है उसके लिए वो लिमिटेड होती है। और प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, उसकी एज 2 साल से लेके 7 साल तक की उसकी एज है। इस स्टेज में इनकॉर्पोरेट इंडक्टिव रीजनिंग करता है और चीज़ों को ड्रा करके किसी कंक्लूजन में पहुंचता, ऑब्जर्व करता है और चीज़ों को जनरलाइज करता है, सबके लिए वो रूल अप्लाई कर देता है। फिर कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में उसकी एज होती है 7 साल से लेके 11 साल तक। ड्यूरिंग दिस स्टेज जो चिल्ड्रन होता है वो बिगिन करता है थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है स्टेजेस में एडल्टहुड से लेके एडल्टहुड तक है। टीन बिगिंस टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसके लिए आपको टेंशन, मेमोरी और लैंग्वेज चाहिए होती है। कंप्यूटर की एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। फिर फैक्टर दैट इफेक्ट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर है। बायोलॉजिकल में हमने स्टडी की है सेंस ऑर्गन्स, इंटेलिजेंस, एरिडिटी, मैच्योरिटी। एनवायरमेंटल में लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, प्ले, फैमिली एंड सोसाइटी। पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट आ गया नेक्स्ट। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें कंप्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट एंड डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ ह्यूमंस एक्वायर कंस्ट्रेंट। प्याजे बिलीव करता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मेंटल प्रोसेसेस की, दैट रिजल्ट फ्रॉम, दो तरह से इसका रिजल्ट आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर से और एनवायरमेंटल फैक्टर से। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, कोलबर्ट की थ्योरी में स्टडी की है, जो मॉरल डेवलपमेंट की बात करता है। जो कोलबर है उसकी थ्योरी में हमने 6 स्टेजेस स्टडी की और 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल में मॉरल थिंकिंग है दैट जनरली फाउंड एट द एलिमेंट्री लेवल। सेकंड लेवल में मॉरल थिंकिंग दैट जनरली फाउंड इन सोसाइटी एंड द नेम कन्वेंशनल। सेकंड लेवल में जो फर्स्ट स्टेज है वो है, दिस लेवल इज कैरेक्टराइज बाय एन एटीट्यूड व्हिच सीक्स टू डू व्हाट विल गेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। इसमें उसे जो भी वो हासिल करना है उसे उसके लिए अप्रूवल चाहिए दूसरों की। सेकंड स्टेज लेवल के जो सेकंड स्टेज है उसमें वन ओरिएंटेड टू अबिडिंग बाय द लॉ, जो एक है वो किससे ओरिएंटेड है, अबिडिड बाय, कि उसने लॉ जो कानून है उसको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सोसाइटी में, ऑब्लिगेशंस है, जिम्मेदारी, उसको फुलफिल करना है। अब थर्ड लेवल जो है मॉरल थिंकिंग का इज वन दैट कोलबर्ट फेल्ट, जिसमें कोलबर्ट ने महसूस किया, इज नॉट रीच्ड बाय मेजोरिटी ऑफ एडल्ट। इस लेवल तक मेजोरिटी लोग या मेजोरिटी जो जवान है वो बालिग लोग नहीं पहुंच पाते,
उसकी स्टेज में क्या, इट्स फर्स्ट स्टेज, उसके अंदर जो पहली स्टेज थी उसकी वो क्या थी, इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मैच्योरिटी एंड अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसमें एक तो वो मैच्योरिटी एज पे पहुंच जाता है जिसमें वो समझ पाता है कि उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, और जेन्युइनली उसका जो ट्रू उसका इंटरेस्ट होता है सोसाइटी की वेलफेयर, दूसरों को हेल्प पहुंचाने का होता है। थर्ड जो है वो है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। प्याजे की हमने स्टडी की, कोग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट की एरिक्सन की, उसकी कोलबर्ग की, और एरिक्सन की हम साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन की जो है इसमें एरिक्सन ने हमें जो बताया 8 स्टेजेस हैं। इसमें कहता है कि इंडिविजुअल एनकाउंटर्स करता है सर्टेन क्राइसिस दैट कंट्रीब्यूट टू हिज हर साइको सोशल ग्रोथ एट ईच ऑफ द 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल क्या, साइको कहते हैं आपका साइकोलॉजी बिहेवियर क्या और सोसाइटी के साथ आपके इंटरेक्शन, उसमें आपके लोगों में ट्रस्ट होगा और मिसट्रस्ट होंगे पहली स्टेज, फिर आपके ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस द रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड ईगो, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपीयर्स। इसी तरह सोशलाइजेशन, लोगों के साथ माशरे में इंटरेक्ट करने को सोशलाइजेशन, क्या आपकी हैबिट्स क्या, एटीट्यूड क्या, वैल्यूज क्या, बिलीफ क्या, और आप किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं लोगों के साथ। इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स ऑन देयर चिल्ड्रन, 4 तरह के पेरेंट है, अथॉरिटेरियन है, मिसिव है, अथॉरिटेटिव है, और डिवोर्स। द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव टास्क स्किल्स एंड प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें अटेंशन प्रोसेस है, मेमोरी है, फिर स्ट्रेटजीज ऑफ रिमेमोरी किस तरह से आप रिमेम्बर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करके, इमेजिन करके, देन कंक्रीट ऑपरेशन टूवर्ड्स है, कंजर्वेशन है, मॉरल रीजनिंग है, देन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स को किस तरह एडजस्ट करना है, डिप्रेशन को, एग्रेशन को और फियर को। ये अलहमदुल्ला हमारा ये जो काम है ये कम्प्लीट।